मैं हूं ग्वालियर फूलबाग पर और आपको बता दूं मध्य प्रदेश के सतना जिले में जो सिंहपुर थाना पड़ता है वहां पर जो है एक कुशवा समाज के व्यक्ति को जो है वहां के जो टीआई है उनके द्वारा जो है गोली मार दी जाती है लॉकअप में पूछताछ के दौरान। उसको लेकर जो है आज ओबीसी महासभा द्वारा और तमाम कुशवा समाज के जो अन्य संगठन है उनके द्वारा जो है आंदोलन किया जा रहा है। ये फूलबाग मैदान है ग्वालियर का, आप मेरे पीछे देख सकते हैं काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं और यहाँ पर जो है पुतला दहन वगैरह की जो है तैयारियां की जा रही हैं। इस प्रकार का यहां पर जो ज्ञापन दिया जा रहा है और विरोध प्रदर्शन केंद्र का किया जाएगा और क्या क्या मांगे हैं तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मेरे साथ हैं धर्मेंद्र कुशवाहा जी जो कि ओबीसी महासभा से हैं। आज जो ज्ञापन दिया जा रहा है वो किस संबंध में है? देखिए ना सतना जिले में सिंहपुर थाना स्थित एक कुशवाहा परिवार का भाई राजपति कुशवाहा जो फर्नीचर का काम करता था और वो गर्ग परिवार में फर्नीचर लगाने गया था। उसी बीच में उस परिवार ने उसने एलिगेशन लगाया कि है ना वो इसने हमारे यहाँ पर लकड़ी चोरी की है, चोरी का इल्जाम लगाया। उसी को शक के आधार पर थाना प्रभारी विक्रम पाठक द्वारा उसको गिरफ्तार किया गया और उसको पूछताछ के संबंध में ले गया और उसके बाद में वो थाने में रख के रात को ना उसके दिमाग जो दारू के नशे में जो विक्रम पाठक प्रभारी है उसने उसको गोली मार दी सर में, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। बाद में जब उसके परिवार के लोग जब बाद में उसके परिवार जन गए तो वहाँ पर उसके परिवार के लोगों के साथ लाठी चार्ज किया, उसकी बहन के साथ लाठी मारी, उसके माताजी को लाठी मारी और बाद में जब विरोध प्रदर्शन समाज के द्वारा किया गया तो वहाँ के तमाम सारे ग्रामीण लोग आ गए और उनके साथ लाठी चार्ज किया। इसके विरोध में ओबीसी महासभा की ओर से मांग की है मध्य प्रदेश सरकार को कि मृतक को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए और घर में परिवार मृतक के परिवार को 1 नौकरी दी जाए। बाद में जो दोषी है उस पर 302 का मुकदमा लगाकर फांसी की सजा दी जाए और सजा दे के जो कृत्य मध्य प्रदेश सरकार में
मैडम बोल गृह मंत्री आज फोटो खिंचवाएंगे दे देंगे सामने। गृह मंत्री के कार्यकाल में दलित पिछड़ों पर लगातार अत्याचार हत्याएं बलात्कार होते जा रहे हैं, ऐसे गृह मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दिलाएं और यदि हमारी मांग पूरी नहीं होती तो आगामी उपचुनाव में जो 28 सीटों पर चुनाव होने जा रहा है उसमें ओबीसी महासभा कुशवा समाज के द्वारा एक भी वोट नहीं दिया जाएगा। तो हमारी मांग को नहीं माना जाता सड़कों पे मजबूर होके हमको सड़कों पे आना पड़ेगा। ये थे मेरे साथ धर्मेंद्र कुशवा जो कि ओबीसी महासभा से है। अभी आपने देखा ये मोती महल ग्वालियर है, यहाँ पर जो ओबीसी महासभा और तमाम जो कुशवा संगठन थे, कुशवा समाज के जो संगठन थे उन्होंने ज्ञापन दिया और सतना में जो कुशवा समाज के एक व्यक्ति की सिंहपुर थाने में गोली मारकर टीआई द्वारा हत्या कर दी गई उसको लेकर ज्ञापन दिया, मांगे की कि उनके परिवार को जो न्याय मिले और उनके बच्चों को नौकरी शासकीय सुविधाएं जो मिल सकती हैं वो मिले, इसको लेकर आज जो यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया था। आप देख रहे हैं सोनू ब्लॉग्स, मैं हूं आपका दोस्त सोनू निगम। इस तरह की कई और वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप मेरी कुछ आर्थिक मदद करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, वहां से जाकर आप मेरी कुछ मदद कर सकते हैं।